जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, आज का भी वीडियो हमारा यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन पे है। और अगर आपको विंडोज 10 और 11 में वो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी अननेसेसरी सर्विसेज को डिसेबल करेंगे जो आपके बैकग्राउंड में रन होती हैं, और इसकी वजह से CPU रैम यूसेज आपका यहाँ पे बढ़ता है। तो अगर हम इनको यहाँ पे डिसेबल करेंगे तो जो CPU रैम यूसेज है वो भी यहाँ पे आपका रिड्यूस होगा और आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और बेस्ट पार्ट गाइस यहाँ पे ये यह है कि ये सब कुछ आप यहाँ पे कर पाएंगे वन क्लिक में। आपको मैन्युअली सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इन फ्यूचर आप अपना माइंड चेंज करते हैं तो आप इन्हीं सर्विसेज को दोबारा से इनेबल भी कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फटाफट कैसे आपको इन सारी सर्विसेज को यहाँ पे डिसेबल करना है। गाइस, मैं यहाँ पे विंडोज 11 का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज 10 भी यूज़ कर रहे हैं तो आप सेम स्टेप्स को वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में ये सर्विसेज को डिसेबल करेगा और आपको यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि जब भी आपको किसी सर्विसेज को डिसेबल करना होता है तो आप यहाँ पे विंडोज सर्च पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं सर्विसेज और सजेशन में चूज करते हैं सर्विसेज ऐप, और फिर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी एप्लीकेशन को आपको डिसेबल करना है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उस पर आपको डबल क्लिक करना होता है। स्टार्टअप टाइप से आप डिसेबल चूज करते हैं, अप्लाई और ओके करते हैं। अब ऐसा करने पर आपको बहुत टाइम लगता है। इवन आपको ये भी श्योर नहीं रहता कि कौन सी सर्विस आपके लिए यूज़ में है, कौन सी सर्विस आपकी फालतू की है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा ड्राइव का, ये इसको आपको ओपन करना है। और ये विंडोज सर्विस कंट्रोल एक बैड फाइल है जो आपकी एक बार में सारे सर्विसेज को, अनवांटेड सर्विसेज को डिसेबल कर देगा। अभी आपके दिमाग में हो सकता है कि ये फाइल आपकी सेफ है कि नहीं है, तो बिल्कुल सेफ है। तो अगर हम इसे यहाँ से कॉपी करें और मैं यहाँ पे वायरस टोटल वेबसाइट पे आ जाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये आपका जो लिंक है वो आपका सेफ है, जो फाइल है आपकी यहाँ पे वो सेफ है। तो यहाँ पे हम URL सेक्शन में जाएंगे और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कराते हैं, लिंक को एंटर कराते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, नो सिक्योरिटी वेंडर फ्लैग दिस URL इज मेलिशियस, और यहाँ पे सब कुछ आपका नीट एंड क्लीन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप फाइल को डाउनलोड करके फाइल सेक्शन में आके फाइल को भी यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे बस आप डाउनलोड पे क्लिक करिए, डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करिए, और जैसे डाउनलोड हो जाती है फाइल, यहाँ पे डाउनलोडेड फोल्डर पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे विंडोज सर्विस कंट्रोल .bat फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिन कराना है। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज आ सकता है, विंडोज प्रोटेक्टेड योर PC, क्योंकि ये आपकी एक बैड फाइल है, तो किसी भी तरह की बैड फाइल होती है तो ये आपके पास मैसेज आता ही आता है। यहाँ पे आपको मोर इन्फो पे क्लिक करना है और रन एनीवे पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। परमिशन मांगेगा तो यस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का एक CMD का बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे कह रहा है प्रेस AN हिट एंटर टू डिसेबल ऑल सर्विसेज एंड टास्क। हमें सारी सर्विसेज और टास्क को डिसेबल नहीं करना है, तो नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा डिसेबल अननेसेसरी सर्विसेज एंड टास्क। तो इसके लिए कह रहा है कि प्रेस C key एंड हिट एंटर। अब आपको यहाँ पे C key को टाइप करना है और एंटर कर देना है, और ये देखिए सारी अननेसेसरी सर्विस को ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसेबल कर देगा। और अगर आप इन सर्विसेज के बारे में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और जैसे ही सारी सर्विसेज यहाँ पे डिसेबल होती हैं तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा, अननेसेसरी सर्विसेज एंड टास्क डिसेबल्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे सक्सेस का मैसेज आ रहा है सब में। अगर इन केस आपके पास यहाँ पे एक्सेस डिनाइड का ऑप्शन आता है, मैसेज आता है, एरर आता है, तो आपको ये अश्योर करना है कि जो आपका यूज़र अकाउंट कंट्रोल है वो यहाँ पे आपका एडमिन परमिशन के साथ है। अगर कोई आप स्टैंडर्ड यूज़र से लॉग्ड इन है तो हो सकता है कि आपको एक्सेस डिनाइड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे आपको या तो उस यूज़र अकाउंट को एडमिन परमिशन देनी पड़ेगी या उस अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा जिसके पास एडमिन राइट्स है। तो इतना करने के बाद दोबारा से आपको ऊपर जाना है, और ऊपर यहाँ पर आने पर आपको मिलेगा अनदर ऑप्शन कि विंडोज अपडेट एंड स्टोर सर्विसेज एंड टास्क। तो अगर आप विंडोज अपडेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, स्टोर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको भी यहाँ पे डिसेबल करा सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है आपका। अगर आपको डिसेबल करना है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है E key। तो हम नीचे आ जाते हैं और टाइप करेंगे E key, एंटर कराएंगे। तो देखिए सारी जो आपकी अपडेट और स्टोर को लेकर सर्विसेज थी वो हमारे यहाँ पर डिसेबल हो गई हैं। दोबारा से ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं, लाइक रिमोट सर्विसेज एंड टास्क। तो हम रिमोट सर्विस भी यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे नीचे और G key को प्रेस करेंगे और एंटर कराएंगे यहाँ पे। तो सारी रिमोट सर्विस हमारे यहाँ पे डिसेबल हो गई हैं। फिर अगर हम ऊपर जाते हैं
तो यहाँ पे प्रिंटर सर्विसेज भी हैं, तो अगर आप प्रिंटर यूज़ नहीं करते तो प्रिंटर को भी डिसेबल कराइए। उसके लिए यहाँ पे आई की को आपको प्रेस करना है। दोबारा से हम यहाँ पे नीचे आएंगे और आप टाइप करेंगे यहाँ पे आई की, एंटर कराएंगे तो आपके यहाँ पे प्रिंटर की सर्विस भी डिसेबल हो गई है। फिर अगर हम ऊपर जाते हैं और कह रहा है ब्लूटूथ सर्विस, तो अगर आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो ठीक है, अगर यूज़ नहीं करते तो ब्लूटूथ की भी सर्विस को यहाँ पे आप डिसेबल करा सकते हैं। तो जब इन सारी एप्लीकेशन को जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते इनको डिसेबल कर देंगे, अपने सिस्टम को जब आप रिस्टार्ट करोगे और नेक्स्ट टाइम जब टास्क मैनेजर को ओपन करके प्रोसेस में जाएंगे या परफॉर्मेंस में, तो यहाँ पे जो आपका हैंडल थ्रेड और प्रोसेस काउंट होगा, सीपीयू और रैम यूसेज होगा, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। चाहे आप किसी तरह का काम करिए, गेमिंग करिए, एडिटिंग करिए, हर चीज़ में आपको यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।